लैंड फॉर जॉब स्कैम में बहुत बड़ा खुलासा। ईडी ने कहा छापे में 1 करोड़ रुपए, $1900 और 1.25 करोड़ के गहने मिले। दिल्ली में तेजस्वी यादव के मकान को 150 करोड़ की बजाय 4 लाख रुपए का दिखाया गया। बंगला भी किसी और के नाम पर दर्ज। तेजस्वी ने किया पलटवार, 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले पुराने का हिसाब दे बीजेपी। गुरुग्राम में अरबों का मॉल मिला था, उसका क्या हुआ? सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए तेजस्वी यादव, पत्नी की खराब तबीयत का दिया हवाला। सोमवार को सीबीआई जारी करेगी नया समन। ईडी की रेड पर भड़के लालू यादव, कहा क्या बीजेपी इतना नीचे गिरकर राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? मैं और मेरा परिवार घुटने नहीं टेकेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कसा तंज, लालू यादव का एक था नारा, तुम मुझे प्लॉट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। सीबीआई के समन पर नीतीश कुमार ने पूछा, सीबीआई ने पहले भी तेजस्वी को किया समन, 5 साल बाद भी सीबीआई ईडी की रेड, जांच में अब तक क्या निकला? लालू के बहाने सुशील मोदी का नीतीश पर तंज, कहा नीतीश को लगता है लालू और कांग्रेस को समर्थन देकर वो पीएम बन सकते हैं। सुशील मोदी ने साफ लहजे में कहा लालू और उनके परिवार को कोई नहीं बचा सकता, सीबीआई के पास हैं पुख्ता सबूत। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है, अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। संजय राउत ने बीजेपी पर लगाया बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप, कहा बीजेपी विरोधी पार्टियों पर कराती है ईडी की कार्रवाई। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता से ईडी ने की पूछताछ, कविता के मोबाइल की हुई जांच। ईडी ने 16 मार्च को फिर पूछताछ के लिए बुलाया। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय का किया विरोध, के कविता पर दिए बयान को गलत ठहराया। बंदी संजय के खिलाफ हैदराबाद के बंजारा हिल्स थाने में केस दर्ज। बीआरएस नेताओं ने कराई एफआईआर, आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत केस। तेलंगाना में दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के पोस्टर लगे, पोस्टर में के कविता की बेदाग तस्वीर दिखाई गई। दिल्ली पुलिस को मिली सतीश कौशिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बीमारी की वजह से हुआ कार्डियक अरेस्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जांच में संदिग्ध परिस्थिति में मौत के कोई सबूत नहीं मिले। सतीश कौशिक की थी हाइपरटेंशन और शुगर की मेडिकल हिस्ट्री। सतीश कौशिक की मौत की जांच में पुलिस ने पार्टी वाले फार्म हाउस से कुछ दवाएं भी बरामद की। फार्म हाउस मालिक विकास मालू की हिस्ट्री खंगाल रही है पुलिस। विकास के खिलाफ उनकी पत्नी ने कराई थी रेप की एफआईआर। राजस्थान में वीरांगनाओं के अपमान पर सियासी घमासान। जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किरोड़ी लाल को पुलिस हिरासत में लेने का हुआ विरोध। हिरासत में लिए जाने के बाद बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा यह आंदोलन का आगाज है, इसे और आगे लेकर जाएंगे। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर लगाया राजनीतिकरण का आरोप, कहा शहीद परिवारों के साथ खड़ी है सरकार। वीरांगनाओं के समर्थन में सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को घेरा, असली इंसान वही है जो जनता के दिलों पर राज करता है। सचिन पायलट ने कहा 1 या 2 नौकरी कोई बड़ा मुद्दा नहीं, नियम में संशोधन पहले भी हुए आगे भी होंगे। जेल से मनीष सिसोदिया का संदेश, कहा जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हो, मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सिसोदिया के ट्वीट को बताया झूठा, कहा सिसोदिया के नाम से केजरीवाल करवा रहे हैं ट्वीट। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी से पूछा शराब घोटाले के सरगना से सवाल है कि वी कौन है? आप नेता राघव चड्ढा ने कहा बीजेपी का लक्ष्य भारत को विपक्ष विहीन देश बनाना है, निरंकुश होकर शासन करना चाहती है बीजेपी। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को लिखा लेटर, सिसोदिया को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलने का किया दावा। सुकेश ने तिहाड़ जेल प्रशासन को बताया आप नेताओं की कठपुतली, सत्यन जैन का जेल कर्मचारियों पर पूरा कंट्रोल, एलजी से की जांच की मांग। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सुनाई आप भी थी, कहा बचपन में मेरे पापा ने मेरा यौन शोषण किया, डरकर बैठ के नीचे छिप जाती थी। जापानी महिला को जबरदस्ती रंग लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस आयोग सख्त, पुलिस को नोटिस जारी कर तुरंत कार्रवाई की मांग की। दिल्ली पुलिस ने जापानी महिला से बदसलूकी मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया, आरोपियों में एक नाबालिग भी। एआईएमएम चीफ ओवैसी ने कहा राजस्थान में जरूर लड़ेंगे चुनाव, कितनी सीटों पर लड़ेंगे यह तय करना बाकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की मांग, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हासिल हो और यहां चुनाव हो। जेकेएसएसबी उम्मीदवारों के कैंडल मार्च में शामिल हुई महबूबा मुफ्ती, परीक्षा से संबंधित मांगों को लेकर था मार्च। अडानी मामले में राजभवन का घेराव करेगी महाराष्ट्र कांग्रेस, 13 मार्च को गिरगांव चौपाटी से राजभवन तक होगा मार्च। पीएम मोदी रविवार को बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को करेंगे समर्पित, 8,480 करोड़ रुपए की लागत से बनाए एक्सप्रेसवे। कर्नाटक के सीएम ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा 2019 में शुरू हुआ था हाईवे बनने का काम जो रिकॉर्ड समय में हुआ पूरा। रविवार को पीएम कर्नाटक के होसपेटे रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन, हम्पी स्मारकों की तरह बनाया गया रेलवे स्टेशन। बजट के बाद वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान की हो रही है चर्चा, आकर्षण का केंद्र बना विश्वकर्मा कौशल सम्मान। पीएम मोदी का बयान, विश्वकर्माओं को उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता, आज के विश्वकर्मा बन सकते हैं कल के उद्यमी। भारत और ऑस्ट्रेलिया यूएन सुरक्षा परिषद में एक दूसरे की अस्थायी सदस्यता का करेंगे समर्थन, पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने जारी किया संयुक्त बयान। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता को प्रभावी बनाने की अपील की, यूएन के समुद्री नियमों के पालन के महत्व को दोहराया। ऑस्ट्रेलियाई सेना को ड्रोन बनाकर देंगी भारतीय कंपनियां, नेवी से चल रही है बातचीत। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने म्यांमार में बिगड़ती स्थिति पर अपनी गहरी चिंता जताई, हिंसा को तत्काल प्रभाव से बंद करने की अपील की। भारत ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक का समापन, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हमलों के लिए कोई जगह नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम का क्लियर मैसेज।
आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जापान के मंत्री से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी में सहयोग पर चर्चा हुई। राज्यसभा के सभापति ने संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग से पहले रविवार को बुलाई बैठक। राज्यसभा में शामिल पार्टियों के नेता होंगे मौजूद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस पर कसे तंज, कहा लोकसभा में माइक कभी बंद नहीं होता, इमरजेंसी के वक्त होते थे बंद। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ गुजरात विधानसभा में प्रस्ताव पारित। केंद्र से की बीबीसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा अगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में कुछ गलत है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे सरकार, प्रस्ताव पारित करने से क्या होता है। इंग्लैंड के वॉलिंगटन में भारतीय वायुसेना के कोबरा योद्धाओं की उड़ान जारी। यूके में चल रहा है दोनों देशों की वायुसेनाओं का कोबरा वॉरियर अभ्यास। उद्धव ठाकरे गुट के नेता अनिल परब के करीबी सदानंद कदम को 15 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेजा गया। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आर ध्रुव नारायण का हार्ट अटैक से निधन। राहुल गांधी ने पार्टी के लिए बताया बड़ी क्षति। कर्नाटक चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, 17,000 वोटर 100 साल से अधिक उम्र के, उनके घर से वोटिंग कराने की होगी व्यवस्था। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा हमने 3 दिनों में सभी राजनीतिक पार्टियों से की मुलाकात, पुलिस प्रशासन से भी कर्नाटक चुनाव को लेकर हुई बातचीत। अमृतसर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम, बीएसएफ ने ड्रोन को मार गिराया, तलाशी के दौरान मिली 3 किलो हेरोइन। मेरठ पहुंचे उपराष्ट्रपति, सीएम योगी के साथ क्षेत्रीय आयुर्वेद सम्मेलन और एक जिला एक उत्पाद प्रदर्शनी का उद्घाटन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा हमारे देश में राष्ट्रवाद की कभी कमी नहीं रही, इस मामले में हमारा डीएनए सबसे मजबूत। त्रिपुरा और मेघालय के सीएम ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, सीएम बनने के बाद पहली बार हुई मीटिंग, राष्ट्रपति ने दी बधाई। मेघालय में पोर्टफोलियो आवंटन, सीएम संगमा के पास वित्त, गृह, राजनीतिक विभाग, दोनों डिप्टी सीएम को बांटे वाणिज्य और उद्योग समेत दूसरे विभाग। मेघालय के सीएम ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर क्यूट परीक्षा से छूट की मांग की। दिल्ली के एलजी ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का किया दौरा, गंदगी को देखकर भड़के, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की डायरेक्शंस। हरियाणा के पानीपत में संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में रखे जाने वाले प्रस्तावों पर हुई चर्चा। मुंबई से काशी और सारनाथ के लिए श्रद्धालुओं की ट्रेन रवाना, बीजेपी विधायक राम कदम ने दिखाई हरी झंडी। पूरी ट्रेन को बीजेपी के पोस्टर से ढका गया, ट्रेन में 2500 यात्री सवार। अगले साल अयोध्या के राम मंदिर तक भी चलेगी ट्रेन। जम्मू कश्मीर में बनेगा शॉपिंग मॉल और आईटी टावर, यूएई की कंपनी श्रीनगर में बनाएगी मॉल। केरल के पठानमथिट्टा में बस और कार की टक्कर, टक्कर के बाद एक चर्च की दीवार से टकराई बस, घायल यात्री अस्पताल में भर्ती। मध्यप्रदेश के धार में ब्रेक फेल होने से कंटेनर दुर्घटनाग्रस्त, पलटने के बाद कंटेनर में लगी आग। फरीदाबाद के सेक्टर 10 में एक बैंक्वेट हॉल में आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जम्मू कश्मीर के मतवाड़ में 5 ग्रेनेड बरामद, बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। भोपाल की पुलिस मुख्यालय में तैनात सब इंस्पेक्टर ने परिवार के साथ किया सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस। राजूपाल हत्याकांड के इनामी शूटर अब्दुल कवि का भाई गिरफ्तार, उमेश पाल की हत्या में भी नाम आया सामने। उमेश पाल मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा, हत्याकांड से 5 दिन पहले शूटर साबिर के साथ नजर आई अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता। सीसीटीवी फुटेज में शाइस्ता परवीन के साथ अतीक का शूटर बल्ली भी मौजूद। उमेश पाल के मर्डर से 5 दिन पहले शूटर से मिली थी अतीक की पत्नी। बीजेपी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने की अतीक के एनकाउंटर की मांग, कहा जेल से निकलकर करो अतीक का एनकाउंटर। असम मिजोरम सीमा पर करीमगंज में एक गाड़ी से 1.3 किलो हेरोइन जब्त, खुफिया जगह बनाकर रखे गए थे ड्रग्स। हेरोइन के साथ पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। खरगोन में नकल कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश, परीक्षा केंद्र से 9 लोग गिरफ्तार। कोयम्बटूर में 11 गोल्ड तस्कर गिरफ्तार, शारजा से लाए थे 6 किलो से ज्यादा का सोना। यूपी के जालौन में मिले ब्रिटिश काल के सिक्के, घर की ड्रिलिंग के दौरान निकले चांदी के 250 सिक्के और 4 कड़े। नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर से श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही बस दुर्घटनाग्रस्त, एक बाइक सवार की मौत, 4 बस यात्री घायल। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में एक रैली के दौरान हिंसा हुई, 5 प्रदर्शनकारियों और कुछ सुरक्षाकर्मी हुए घायल। हिंसा के बाद जिले में धारा 144 लगाई गई, आदिवासी भूमि अधिकारों के लिए निकाली गई थी रैली। नियुक्ति की मांग को लेकर पंजाब के संगरूर में शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन। गुजरात के द्वारका में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर, सुरक्षा को लेकर 800 पुलिस वाले रहे मौजूद। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है, अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। देश में H3N2 वायरस से 2 लोगों की मौत के बाद सरकार ने बुलाई समीक्षा बैठक, राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश। गुजरात में H3N2 के अब तक 3 केस, H1N1 से अब तक 1 मौत की पुष्टि। H3N2 वायरस को खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी स्टेट्स को लिखा खत, बीमारी के बढ़ने को लेकर किया सचेत। H3N2 फ्लू को लेकर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, मार्च में अब तक 1 भी मामला नहीं, फरवरी में फ्लू से हुई थी 1 की मौत। असम के पशुपालन मंत्री ने जताई चिंता, बिहार झारखंड में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू से पोल्ट्री के कारोबार पर पड़ेगा असर। पीएम मोदी ने सानिया मिर्जा के शानदार करियर के लिए बधाई दी, विदाई मैच के बाद सानिया ने पीएम का दिल से जताया आभार। शुभमन गिल ने घरेलू मैदान पर पहली बार टेस्ट में लगाया शतक, शुभमन कोहली ने बनाए 289 रन, तीसरे दिन बैकफुट पर रहा ऑस्ट्रेलिया। यूक्रेनी पैराट्रूपर्स ने रूसी ठिकानों पर तोप दागे, यूक्रेनी शहर बखमुत में लड़ाई तेज। सिलिकॉन वैली बैंक के संकट का असर, टेक और स्टार्टअप्स कंपनियों पर वित्तीय दबाव बढ़ा, स्टाफ को सैलरी देने से परेशानी शुरू। इटालियन कोस्ट गार्ड ने 2 जहाजों से 800 प्रवासियों को बचाया, जोनियो सागर में चलाया रेस्क्यू अभियान। कैलिफोर्निया में तूफान को लेकर हाई अलर्ट, 9,000 से अधिक लोग सुरक्षित जगह लेकर जाए गए। और अपने पति के साथ शानदार लुक में नजर आई प्रियंका चोपड़ा, निक ने प्रियंका को बेहतरीन पत्नी बताया।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।